हेलो एवरीवन, आजकल तो ब्लॉग का शुरुआत ही मुझे कहते हैं ना घर के बाहर से ही करें, घर के अंदर तो इतना शोर है। और कम से कम अभी 8 आदमी लोग घर के अंदर हैं, इलेक्ट्रिशियन भी है, ठेकेदार भी है, कारपेंटर भी है, पुलिस वाला भी है, बहुत सारे लोग अभी घर के अंदर काम कर रहे हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं दुकान साथ में लाडो को लेकर के, तो आदि का मुँह इसलिए बन रहा है कि उसको छोड़ के जा रहे हैं। रिपीट टेलीकास्ट बार बार ऐसे ही होता है क्योंकि घर में तुम घर में रहो और घर संभालो। ये मैं सैंपल लेके जा रही हूँ, ये मेरे पलंग का है और ये निकल चुका है, जो कि आप देख लेंगे ब्लॉग में कि कैसे पूरी गंदे तरीके से निकला है। डैमेज नहीं था, लेकिन क्या है कि 40 दिन से मतलब हाँ एक महीना हो चुका है बेड को लेने, तो वो डैमेज हो गया। रखा बालकोनी में रखे थे ना, बेड डैमेज हो गया, तब इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा बेड का। अरे ऐसा मत करो, देखिए आदि दौड़ रहा है, आदि बाइक आ रहा है, बाइक आ रहा है, जाओ बाय आदि। नहीं रहेगा, नहीं नहीं लाडो को नहीं छोड़ेंगे, आ जाएंगे तुरंत, आ जाएंगे तुरंत आएंगे। ये रोड बन रहा है ना, इसलिए हमें बाइक यहीं पे खड़ी करके छोड़ करके हम लोग को उस दुकान में जाना है जहाँ पे मैं एक बार गई थी, याद है आपको ब्लॉग में मैं दिखाई थी। हाँ आ रहे हम भी आ जाएंगे। पंख जल रहा है? नहीं जल रहा, मेरा जल रहा है वापस, फिर वापस से आँख जलना स्टार्ट हो गया कुछ देर के साथ, पर थोड़ी देर के बाद आँख जल रहा बंद हो जाता है। सैंपल देख रहे बेड चेंज करने का, ये ऐसा कलर है, इसको सब पॉलिश बेड जाता है। हाँ, ये कलर में सब पॉलिश, सब पॉलिश बेड जाता है, ये सब पता है। बेड के हिसाब से देखना है ना? हाँ बेड के हिसाब से देखना है, ये कलर भी जाता है। ये तो मेरे रूम के साथ मैच हो जाएगा, ये कलर भी जाता है। हमें ऐसे अभी नया कलेक्शन ही आया है। हाँ। आडो लग गई अपने ड्यूटी में, वो हर दुकान में ऐसे ही करती है, हवा खा रही। रूम के वाइज जाएंगे पॉलिश, तो ये सही रहे। घर में रिनोवेशन का काम चला है, पूरा टाइल्स का काम चला था और फर्नीचर का काम का आज आखिरी दिन है, बस 2-3 घंटे और रह गए जस्ट फिनिशिंग देने को। तो उसके बाद क्या हुआ, पूरा टाइल्स का जो शाइनिंग है वो चला गया, पूरा सीमेंट लगा था और फर्नीचर के काम पूरा फेविकॉल पूरे चिपके हुए है, तो मतलब कितना भी करके जाएंगे वो शाइनिंग टाइल्स की आने वाली नहीं है। तो मैं अलग से ये हार्पिक मंगवाई हूँ जो चला रहा आता है, क्योंकि मैं ऐसा करके ना अपना बाथरूम टॉयलेट साफ कर चुकी हूँ, बहुत ही ज्यादा गंदा था एक बार, बहुत दिन के बाद मैं आई थी। तो मैं ये नींबू नमक और हापी के तीनों का यूज करके मैं घर को जब क्लीन करूंगी ना पूरा टाइल्स चमकेगा। हालांकि पता है क्या कर रहे हैं, जो ठेकेदार है ना वो क्लीनिंग का काम करा रहे, वो बोले की वो एसिड लाएंगे, वो एसिड कहीं नहीं मिलता है जल्दी, वो एसिड लाएंगे और उसको डायल्यूट करके फिर फर्श साफ करेंगे। तो घर की साफ सफाई अगर एसिड से होगी तो टाइल से शाइनिंग चली जाती है, हालांकि बहुत अच्छे से साफ होती, तो वो जो ग्लेज होता है ना वो ग्लेज नहीं आता है और नींबू से चमक आता है। सॉल्यूशन बना है, इसको मैं भी मिक्स करूंगी, तो इसमें है 10 नींबू और नमक और ये 250 ml का हापिक है, इसको करना है अब मिक्स। हॉल रूम में एक वॉल हाइलाइटर के रूप में पर्पल कलर का डाल रही थी, लेकिन ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था, तो वापस इसको मैं व्हाइट करवा दी और हार्पिक मिला करके। तो मैं डालने जा रही थी किचन में, सब लोग आ गए और मैं किचन में तभी ये यूज कर पाऊंगी फर्श साफ करने के लिए, जब पूरे 1 से 1.5 घंटे किसी का भी किचन में आने का कोई वजह ना हो। तो अभी मैं डालूंगी तो आना जाना चल ही रहा है, क्योंकि हॉल रूम में चल रहा है कलर और बेडरूम में हो रहा है कारपेंटर का काम और मेरा हो रहा है किचन का काम, तो सारा काम निपटाऊंगी। पहले पूछ लूंगी किसी को किचन में कोई काम तो नहीं है 1 से 1.5 घंटे, उसके बाद मैं सॉल्यूशन छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए, उसके बाद मैं सफाई करूंगी घिस घिस के, उसमें 1 घंटे जाएगा। बहुत ज्यादा टाइल्स गंदा हो रखा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ज्यादा गंदा हो रखा, ये नॉर्मल डस्ट नहीं है, ये टाइल्स का काम हुआ था ना, ये पूरा सीमेंट वेमेंट भी थोड़ा सा लगा हुआ है, ये सब फेविकॉल का दाग है। आज मुझे नाश्ता बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, बहुत सारे काम ऑलरेडी थे किचन के अलावा, तो एक तरफ पेंटिंग हो रहा था तो हस्बैंड को मैं फ्राई राइस बना करके दे दी कि आप बच्चों को खिला दीजिए, और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी और मुझे घर के साफ़ सफाई का काम था, इसलिए मैं आज नहाई नहीं, मैं उनसे बाहर से ही ऑनियन उत्तपा मंगा लिया और ये मेरा फेवरेट भी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं 2 ऑनियन उत्तपा अपने लिए मंगवाई थी, तो मैं यहाँ पे खाने के लिए बैठी और जैसे आदि को पता चला, उसे ना फ्राई राइस बहुत पसंद है इसलिए मैं इसको फ्राई राइस दे दी थी, पर आदि बोला कि मम्मी मुझे भी ऑनियन उत्तपम खाना है, बोला ठीक है मैं एक खा ली, एक तुम खा लो, और उसका वाला फ्राई राइस मैं ले ली कि अच्छे से खा लेती हूँ, उसके बाद तो मुझे घर के काम में लगने ही लगने हैं।
वार्डरोब मेरा पूरी तरह से बन के तैयार हो गया। तो एक आदमी बुलाई थी उसके क्लीनिंग के लिए, देखिए क्लीनिंग कर रहे हैं वार्डरोब का, और एक तरफ से कलर हो रहा था, और जो कारपेंटर था वो हमारे लिए सूरेक तैयार कर रहा था। सूरेक काफ़ी बड़े साइज का है, हमने बनाया था, वही लग रहा था ये थोड़ा अजीब ना लगे। हस्बैंड बोल रहे थे तुम सूरेक बना रही हो, हाथी बनवा रही हो। तो यहाँ पर वार्डरोब की साफ़ सफाई हो गई, लेकिन यहाँ पर कलर करना बाकी था, तो छींटे ना पड़े, क्योंकि साफ़ सफाई के लिए भी हमने पैसे दिए थे अलग से, एक आदमी को क्लीनिंग के लिए हमने बुलाया हुआ था, क्योंकि क्लीनिंग में मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहती थी, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं क्लीनिंग करने का मतलब ही होता है डस्ट के सामने एकदम रहना, तो मुझे एकदम प्रॉब्लम है। मुझे यही एक जगह दिखा जहाँ पे मैं यहाँ पे 6x6 का मैं गद्दा डाल सकती धूप लगाने के लिए, क्योंकि पूरे एक महीने तक बालकनी में पड़ा हुआ था, पूरा डस्ट होके रखा था, और स्किन का इन्फेक्शन ना हो जाए, जैसे दांत खाज खुजली वगैरह हो जाता है ना, बहुत डस्ट था इसमें, तो इस वजह से मैं सोची कि इसको धूप में ला देती हूँ, और यहाँ पे पूरा इसको पट्टा से मारा गया ताकि पूरा डस्ट जितना हो सके उड़ जाए, तो जितना हो सके अभी मारे हैं। फिर अभी यहाँ पे हार्डली आई थिंक 1 घंटा धूप ही लगेगा, उसके बाद ये धूप चला जाएगा, क्योंकि कल ही एक पार्टी अटेंड करना है इस वजह से, और मेरे पास अभी भी टाइम नहीं मिला कि मैं पार्टी के लिए तैयारी कर सकूँ, क्या पहनूंगी मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि सारा सामान अस्त व्यस्त है। गद्दे में एक तरफ धूप अच्छे से लग चुका था, पूरा गर्म हो चुका था, इसको वापस हमने पलट दिया, क्योंकि 1 घंटे के लिए ही यहाँ पे धूप आता है, फिर उसके बाद हम लोग कहीं धूप चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आसपास बहुत सारे बिल्डिंग पूरा करीब करीब है नज़दीक में, इसलिए धूप बहुत कम आती है, तो 1 घंटे के लिए था, तो आधे घंटे एक तरफ और दूसरे तरफ आधे घंटे के लिए धूप लगा। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि पहले जो बेड का कंडीशन था वो आपने देखा था कि कैसा था, लग रहा है ना एकदम न्यू पलंग, ये देखिए पूरा न्यू लग रहा है, पूरा चारों तरफ से हमने सनमाइका ही चेंज कर दिया, और ये पूरा वाइट वाइट हो गया था ना, फफूंदी जैसा लग गया था, तो हमने पूरा प्लाई में ही पॉलिश करवा दिया, तो एकदम पूरा न्यू बेड लग रहा है, इसका लुक ही चेंज हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। कहाँ मेरा पुराना पलंग था, कहाँ आप सनमाइका, और बहुत जगह हमने ना पट्टी भी डलाया जहाँ जहाँ डैमेज हुआ था, पूरा रिपेयर ही करवा दिया पूरा न्यू। तो अब इसमें बेड लगेगी, देखिए मैं नहाई धोई नहीं, इसलिए चेहरा ऐसा लग रहा पूरा, क्या कर सकते हैं कि घर का काम कराना है, और जाऊंगी नहा करके आदि को स्कूल से लाने के लिए, और देखूंगी थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है, क्योंकि कल जाना है पार्टी अटेंड करने के लिए।